नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए उपमा के कटलेट। इस हमारा उपमा थोड़ा सा बच गया था और मैं उसमें मिलाऊंगी इस तरह फ्राइड पोटैटो। अगर आपके पास फ्राइड पोटैटो नहीं है तो आप उबला हुआ आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जो कि मैंने काट लिया है बारीक। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा किचन किंग, ये भी आपकी पसंद पे निर्भर है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह एक बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको कटलेट के शेप में देंगे। इस तरह हमने कटलेट का शेप दे दिया है। अब हम इसको तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें डाल देंगे। कटलेट देखिए ब्राउन हो गए हैं, अब हम उनको निकाल लेंगे। अब सर्व करने से पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और हम इसे रेड सॉस के साथ सर्व करेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब आप अगर आपका भी उपमा बच जाता है तो इस तरह के कटलेट बनाइए और खाइए। आप भी खाइए, सबको खिलाइए। धन्यवाद।